राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या अब देश ही नहीं विश्व के लिए भी आकर्षण की जगह बनती जा रही है। अयोध्या में निलयम पंचवटी द्वीप प्रोजेक्ट करके देश विदेश के टूरिस्ट को और भी लुभाया जाएगा। इस द्वीप में आने वाले पर्यटकों को प्रभु राम के जीवन चरित्र से जुड़े प्रसंगों की जानकारी दिलचस्प तरीके से दी जाएगी। ऐसी व्यवस्था तैयार की जा रही है कि यहां आने वालों को त्रेता युग में पहुंचने का एहसास हो सके। श्री निलयम पंचवटी द्वीप प्रोजेक्ट के प्रभारी राज मेहता के अनुसार द्वीप के निर्माण पर करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे गुप्ता घाट पर बसाया जा रहा है। सरकार के सहयोग से बनाए जा रहे इस द्वीप में पर्यटकों के जानने और अनुभव के लिए काफी कुछ है। सैलानी कई कई दिनों तक यहां ठहर कर राम कथा से जुड़े प्रसंगों का आनंद ले सकेंगे। 2019 में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने नदियों पर आश्रित लोगों को रोजगार के नए अवसर और उनके जीवन स्तर को उठाने की बात कही थी। इसी संदेश से प्रेरित होकर इस द्वीप की संरचना की जा रही है। निलयम द्वीप में प्रभु राम के जीवन प्रसंगों का चित्रों, मूर्तियों, ऑडियो विजुअल तकनीक से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम और नौकायन का इंतजाम भी होगा। यहां कल्पवास और वैदिक गांव की अनुभूति कराने वाली ऋषि मुनियों के नामों से बनी 108 पर्णकुटी के अलावा मैजिक शो, घुड़सवारी, ऊंट की सवारी, तीरंदाजी के साथ ही हस्तरेखा और ज्योतिष शास्त्र विशेषज्ञ मिलेंगे। श्री निलयम द्वीप में आने वालों को आध्यात्मिक अनुभव, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हल्के फुल्के मनोरंजन के अलावा शुद्ध स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन प्रसाद और गाय के शुद्ध घी से बने व्यंजन मिलेंगे। कुछ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते सुनते रहिए ललूराम.com।